अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग? होप यू गाइस आर डूइंग गुड। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द लिटिल टेस्टर। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गो एंड डू सब्सक्राइब, और अगर आपने हमारे प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे देन आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू प्लीज वॉच इट, क्योंकि फिर वो एक कंटिन्यूएशन रहता है। Alright, तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5:15 और हम लोग निकले हैं रेलवे स्टेशन को, दिल्ली रेलवे स्टेशन को, जो पास में इतना दूर भी नहीं है, तो वहाँ चलते हैं। वहाँ से हमारी गाड़ी है शताब्दी, वो पकड़ते हैं और फिर चलते हैं अजमेर। तो वो प्लान है आज का, देखते हैं कैसे जाता है आज। कंटिन्यू करते हैं ब्लॉगिंग एक बार रेलवे स्टेशन पहुँच के। चलिए आते हैं। तो हम लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं और हमारी गाड़ी आने में और 15 मिनट बाकी है। बाजू वाले प्लेटफॉर्म पे वंदे भारत खड़ी हुई थी तो हम लोग वंदे भारत को देख रहे हैं अभी। और इतने में जो है हमारी गाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस भी प्लेटफॉर्म पे आ गई। ये गाड़ी दिल्ली से अजमेर की है। दिल्ली सुबह 6:05 पे छूटती है और फिर अजमेर शरीफ पहुँचते पहुँचते इसको 12:15 हो जाएगा दोपहर के। एक बार आप चेक कर लेना जब आपका ट्रैवल प्लान हो तो, शायद उस टाइम पे टाइमिंग्स में कुछ चेंजेस हो। क्योंकि अब ये शताब्दी एक्सप्रेस है दी ओरिजिनल सुपर फास्ट, तो हम लोग ऑन टाइम पे अजमेर शरीफ पहुंच गए और अभी हम लोग क्लॉक रूम ढूंढते ढूंढते क्लॉक रूम तक आए हैं। आराम से कर लेगा। और तो हम लोग अजमेर शरीफ जो है पहुंच चुके हैं। पहुंच के हमने किया क्या कि हमारा जो लगेज था जिसमें जो हेवी वेट वाले लगेज है उसको जो है हम लोगों ने क्लॉक रूम में जमा कर दिया। क्लॉक रूम में यहाँ का प्राइस जो है बहुत ही रीजनेबल है। 20 रुपीज़ पर 24 आवर्स है। फर्स्ट 24 आवर्स के 20 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं लोग। तो जमा कर दिया बैग को और फिर अभी यहाँ से निकलते खाना खाने और फिर वहाँ से जाएंगे दरगाह शरीफ को। दोपहर का खाना खाने के लिए हम लोग अजमेर शरीफ रेलवे स्टेशन का IRCTC कैंटीन पहुँचे। और मुझे ये चीज़ आपको बतानी है कि जो खाना IRCTC अजमेर शरीफ का है वो वन ऑफ द बेस्ट IRCTC स्टेशन फूड्स है जो मैंने अब तक ट्राई किया, और उनकी सर्विस भी बेहतरीन है। फिर हम लोगों ने खाना खा के स्टेशन के बाहर जो ऑटो से उधर से एक ऑटो पकड़ी और फिर अजमेर शरीफ दरगाह पहुँचे। अजमेर शरीफ दरगाह के बहुत सारे गेट्स हैं। हम लोग अभी जिस गेट पे है यह है बुलंद दरवाज़ा वाला गेट, जो गेट नंबर 1 है। ऑटो वाले ने हमसे पर अडल्ट 20 रुपीज़ चार्ज किया और फिर गेट के पास लेके आके छोड़ दिया। एग्जैक्ट गेट के पास आपको नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वहाँ पे ऑटोस अलाउड नहीं है। इसका कंटिन्यूएशन नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें अजमेर शरीफ दरगाह को जितना हो सके उतना मैंने पूरा कवर करने की कोशिश की और उसका एक अलग से जो है व्लॉग बना के नेक्स्ट एपिसोड में पब्लिश कर देंगे। अनटिल नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द लिटिल टेस्टर, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने नहीं किया हो तब तक। अल्लाह हाफ़िज़।